Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 18 July 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about amendment to schedule Cast list. This topic is important from our syllabus GS paper to Indian polity point of view. तो पहले हिस्ट्री समझते हैं ऑफ शेड्यूल कास्ट लिस्ट ये कैसे तैयार हुई और फिर देखेंगे कि करेंट टाइम्स में क्या क्या इससे रिलेटेड डेवलपमेंट हुए हैं तो देखिए ब्रिटिशर्स ने 1931 में सेंसस कराया था तो उस सेंसस में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस की लिस्ट भी तैयार की थी डिप्रेस्ड क्लासेस वो क्लासेस थे जिनके अगेंस्ट अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जा रही थी और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन में डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने की भी बात की गई आजादी के बाद जो ब्रिटिशर्स ने लिस्ट बनाए थे डिप्रेस्ड क्लासेस के मोर और लेस उसी लिस्ट को फिर भारत सरकार ने डिक्लेयर कर दिया एज लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट्स तो आजादी से पहले जो कम्युनिटी डिप्रेस्ड क्लासेस कहे गए जिनके लिए रिजर्वेशन की बात की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में उन्हीं को बाद में शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर किया गया तो आप कह सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में उन कम्युनिटीज़ का नाम है जिनके अगेंस्ट अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती रही है हिस्टोरिकली तो शेड्यूल कास्ट लिस्ट तैयार की गई शेड्यूल कास्ट लिस्ट तैयार की गई आज पर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल थ्री फोर्टी जो कहता है कि प्रेसिडेंट स्पेसिफाई द शेड्यूल कास्ट इन वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कि अलग अलग स्टेट्स में देखिए शेड्यूल कास्ट जो है वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं विध रिस्पेक्ट टू तो अ पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी तो अलग अलग स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी के लिए कौन से शेड्यूल कास्ट वहां से होंगे वो प्रेसिडेंट रिलीज करेंगे थ्रू एन ऑर्डर और यही आर्टिकल 341 फोर्टी वन सब क्लॉज की इस्तेमाल करते हुए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिलीज कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर इन 1950 क्योंकि आर्टिकल 341 उनको एम्पावर करता था कि वो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट रिलीज करें तो इस आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 रिलीज किया जिसके अंतर्गत इंक्लूडेड थे द लिस्ट ऑफ शेड्यूल रिस्पेक्ट टू सेवरल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जैसा कि मैंने आपको बताया इस लिस्ट के अंदर मेनली वही कम्युनिटीज के नाम मेंशन थे जो ब्रिटिश एरा में डिप्रेस्ड क्लासेस थे और जिनके खिलाफ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती रही थी अब ये लिस्ट तो तैयार हो गया 1950 में अब इस लिस्ट में कोई और बदलाव करना है यानी कि किसी कम्युनिटी का नाम ऐड करना है या एग्जिस्टिंग कम्युनिटी का नाम रिमूव करना है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है उसके लिए प्रोविजन लिखे गए हैं आर्टिकल 341 फोर्टी वन सब क्लॉस टू में कि फर्दर द लिस्ट नोटिफाइड ऑफ शेड्यूल कास्ट टू बी मॉडिफाइड ओनली बाय पार्लियामेंट और वो भी ध्यान रहे नॉट थ्रू एन ऑर्डिनरी बिल बट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा स्पेशल मेजोरिटी के साथ तब जाकर के इस लिस्ट में फर्दर बदलाव किए जा सकते हैं एक बार जरा देख लेते हैं कि ये जब लिस्ट रिलीज हुई थी 1950 में प्रेसिडेंट ऑर्डर के मदद से तो उसमें असम से कौन कौन से कम्युनिटीज के नाम थे तो ये सारे कम्युनिटीज के नाम असम से थे अलग अलग स्टेट्स तो अलग अलग पार्ट के अंदर मेंशन किया गया है पार्ट वाज गिवन पार्ट वन पार्ट टू ऑन द बेसिस ऑफ़ अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो आसाम को मेंशन किया गया पार्ट टू में और 1950 के ऑर्डर के हिसाब से दीज कॉम्युनिटीज फ्रॉम आसाम वेयर रिकोगनाइज एज शेड्यूल कास्ट कॉम्युनिटी अब करेंट डेवलपमेंट पे आते हैं देखिए साल 2015 में बिहार की सरकार ने वहां की एक कम्युनिटी तांती तंतु कम्युनिटी को शेड्यूल कास्ट लिस्ट में ऐड कर दिया उनको शेड्यूल कास्ट के तमाम बेनिफिट्स भी दिए जाने लगे अंडर बिहार स्टेट गवर्नमेंट जॉब या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के इस फैसले को रिवर्स किया है सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है ही नहीं कि शेड्यूल कास्ट लिस्ट में वो खुद से बदलाव कर पाए शेड्यूल कास्ट लिस्ट में अगर कोई बदलाव करना है तो दैट कैन बी डन ओनली बाय अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड दैट लॉ आल्सो हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ अब देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू दोनों जगह आया है स्टेट्स कैन नॉट टिंकर विथ शेड्यूल कास्ट लिस्ट सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स बिहार गवर्नमेंट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार ने जो एक्शन लिया है ये मेलाफाइड है गलत है एंड इट इज इनफैक्ट अनपार्डेबल मिशीफ अगेंस्ट द जेन्युन सेड्यूल कास्ट में राइटफुल अभी जब शेड्यूल कास्ट कॉम्युनिटी की बात चल रही है तो हमारे सिलेबस में टॉपिक है जीएस पेपर टू के अंतर्गत डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तो शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में जरा देख लेते हैं नेशनल कमीशन फॉर सेड्यूल कास्ट एनसीएससी इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएटेड पर आर्टिकल 338 ऑफ़ द जिसका मेन रोल है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट मेंबर कम्युनिटी इन इंडिया तो ये जो एन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ये स्पेशल कोर्ट सेटअप कर सकती है फॉर स्पीडी रिड्रेसल या स्पीडी ट्रायल ऑफ केसेस राइट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी मेंबर मेंज बीन वायलेटेड तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के मेंबर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दो स्पेशल केसेस बनाए गए हैं सिविल राइट्स एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट अगेंस्ट सेड्यूल कास्ट मेंबर इन दोनों कानून के अंतर्गत मान लीजिए कि कोई केस रजिस्टर होता है किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट तो वो केस टाइम बॉन्ड फैशन में रिजोल्व हो इसके लिए एन एक अलग से स्पीडी ट्रायल कोर्ट या स्पेशल कोर्ट बना सकती है तो ये सब कुछ रोल है एनसीएससी के इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रिलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन यूपीएससी ने साल 2018 में ये प्रश्न पूछा था एनसीएससी पे ये प्रश्न थोड़ा अलग है

लेकिन साथ ही साथ आपने अगर इंडियन पॉलिटी पढ़ रखा है तो आपको पता है कि आर्टिकल थर्टी के अंतर्गत माइनॉरिटी कम्युनिटीज को अपने कल्चर को लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस स्टेब्लिश करने का अधिकार है तो आर्टिकल थर्टी प्रोवाइड्स राइट टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिस एंड एडमिनिस्टर देयर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर टू मेंटेन में कल्चरल एंड रिलीजियस आइडेंटिटी अब इस तरीके की माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्या शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के मेंबर्स को रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसको लेकर के डिस्प्यूट हो गया था फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ऐसे इंस्टीट्यूशन जो माइनॉरिटी कम्युनिटी ने बनाए हैं अंडर आर्टिकल 30 वहां पे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के मेंबर्स को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता इसी के ऊपर ये प्रश्न है और मैंने हिंट्स भी दे रखा है अगर आपने इस तरह की बातें पहले पॉलिटी क्लासेस में नहीं सीखी हैं तो पढ़ लीजिए एक बार आपको नाइनटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में जानने को मिलेगा साल 2005 में लाया गया जिसके अंतर्गत साफ साफ संविधान के अंदर ही लिख दिया गया कि आर्टिकल 30 के अंतर्गत अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटीज तो वहां पे शेड्यूल कास्ट मेंबर्स के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है तो एक बार पढ़ने के बाद आप इस क्वेश्चन को कीजिए। इंपॉर्टेंट फॉर ऑफ व्यू सबसे पहले समझते हैं कि वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते क्या है फिर करंट कॉन्टेक्स देखेंगे देखिए कुछ जानवर ऐसे होते हैं उसमें इंसान भी आता है जिनके बॉडी के अंदर से कांस्टेंट हीट रिलीज होती रहती है और वो हीट उनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है यानी कि एक्सटर्नल टेम्परेचर चाहे जो भी हो इंटरनल टेम्परेचर बॉडी रेगुलेट कर सकती है टू सम एक्सटेंट तो इसी कारण से सर्दियों में अगर हम स्वेटर पहन लेते हैं तो फिर बाहर चाहे जितनी भी सर्दी हो अंदर हमारा शरीर गर्म रहता है क्योंकि बॉडी अंदर से हीट रिलीज करती है और स्वेटर जो है उस हीट को रेडिएशन के थ्रू लूज होने नहीं देता है टू द इन्वायरमेंट इसलिए हम अंदर से गर्म रहते हैं तो दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऑल्सो नोन एज इंडोथर्म्स इंडोथर्म्स मतलब अंदर से हीट रिलीज कर रहे हैं इंडोथर्म्स इंटरनली जनरेटेड हीट दैट इज टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर ऐसे एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर स्टीडी रहता है रिगार्डलेस ऑफ एनवायरमेंट इसके अंदर मैमल्स बर्ड्स आते हैं लेकिन उसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है एक्टोथर्म्स या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एक्टोथर्म्स मतलब बाहर का टेम्परेचर इनके बॉडी टेम्परेचर को डिसाइड करता है रेगुलेट करता है सो so, अगर आउटसाइड टेम्परेचर वेरी करेगा तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी वैरी करेगा टेम्परेचर वेरीज विथ द इनवायरमेंट दे आर बॉडी टेम्परेचर वैरीज विथ एनवायरमेंट एंड दैट इज वाई दे आर नोन एज कोल्ड ब्लड बिकॉज इनसाइड दम हीट इज नॉट रिलीज एक्टोथर्म दे आर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स मेनली ऑन एक्सटर्नल हीट सोर्सेज एंड बॉडी टेम्परेचर विल चेंज विथ चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट ये हो गई बात इंडोथर्म और एक्टोथर्म एनिमल्स की अब करेंट न्यूज देखते हैं वैसे तो काफी इंपॉर्टेंट है नहीं एक साइंस जर्नल है इनवायरमेंट से रिलेटेड जर्नल है साइंस uh, एडवांसेस उसमें एक रिपोर्ट पब्लिश हुई कि जो वार्म ब्लडेड या इंडोथर्म एनिमल्स होते हैं वो छोटे छोटे आइलैंड्स पे रहने वाले जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं इनके एक्सटिंक्शन का खतरा काफी ज्यादा बढ़ रहा है तो आइलैंड्स पे रहने वाले वार्म ब्लड एनिमल्स दे आर नाउ वेरी मच वरेबल टू द थ्रेट ऑफ एक्सटिंगशन ये रिपोर्ट कहता है कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो छोटे छोटे पे, रहते हैं जहां पे वैसे ही रिसोर्सिटी है जैसे ये रैट है किसी छोटे से आइलैंड पे, पे रहता है केमेन आइलैंड पे रहता है या मान लीजिए कि ओवरऑल इसको रिसोर्स स्कॉर सिटी खाने पीने की चीजें कम मिलती हैं तो इन्होंने क्या किया है ऐसे एनिमल्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो छोटे आईलैंड पे रहते हैं इन्होंने नेचर के साथ अडाप्ट करते हुए अपना मेटाबॉलिक रेट काफी स्लो कर दिया है मेटाबॉलिक रेट मतलब खाने को डाइजेस्ट कर का और एनर्जी उससे रिलीज करना ये रेट को काफी उन्होंने स्लो डाउन कर दिया है और ये नेचर नेचुरल तरीके से उन्होंने अडेप्ट किया है क्यों क्योंकि जिस आइलैंड पे रहते हैं वहां पे रिसोर्स स्कैरसिटी है तो वार्म ब्लडेड एनिमल लिविंग ऑन स्मॉल आइलैंड्स हैव वेरी स्लो मेटाबॉलिक रेट एंड दैट हेल्प्स देम टू सरवाइव इवन इन अ रिसोर्स स्कार्स इन्वायरमेंट बट ऐसे जगहों पे अब ह्यूमंस जाकर के सेटल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज ह्यूमन पॉपुलेशन एंड नाउ सच ह्यूमन पॉपुलेशन विल विल एब्जॉर्ब रिसोर्सेस अवेलेबल एनी वे द स्कार रिसोर्स अवेलेबल इन ए वेरी फास्ट मैनर और इन लोगों का मेटाबोलिज्म रेट वैसे ही स्लो है तो आने वाले टाइम में ये जनरल कहता है कि ऐसे एनिमल जो छोटे आइलैंड पे रहते हैं और वार्म ब्लडेड एनिमल हैं जिनकी मेटाबॉलिक रेट काफी स्लो है ये एक्सटिंक्शन का खतरा इनके ऊपर ज्यादा है ये न्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं ये जर्नल भी कोई बहुत रिप्यूटेड नहीं है बट ये आर्टिकल मैंने इसलिए कवर कर लिया ताकि आपको कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड एनिमल्स के बीच का अंतर करा पाऊं प्रिलिम्स में कभी कभार इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके सामने प्लीज अटेम्प दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्ट इंड इज अबाउट यू विन पोर्टल एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसके अंतर्गत प्रेग्नेंट वुमेन है उसके अलावा न्यू लैक्टेटिंग वुमेन यानी कि जिन्होंने नए नए इन्फेंट को जन्म दिया है एंड इन्फेंट्स इन तीन कैटेगरी के लोगों को या तो प्रेग्नेंट वुमेन है या लैक्टेटिंग वुमेन है या इन्फेंट है या इन तीन कैटेगरी के लोगों को इम्यूनाइज किया जाए अगेंस्ट प्रीवेंटेबल रिलेटेड एक प्रोग्राम शुरू किया गया 1978 में, में स्मॉल स्केल नाम दिया गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जिसके अंतर्गत फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन देना शुरू किया गया अगेंस्ट प्रिवेंटेबल डिजीजेस टाइम टू टाइम और वैक्सीन एड किए गए आज के डेट में 12 ऐसे वैक्सीन हैं, यानी कि 12 तरह के डिजीजेस के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल हैं अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम दीज आर डिजीजेस डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस पोलियो मीजल्स रूबेला रोटावायरस डायरिया हेपेटाइटिस मेजनाइटिस ट्यूबरकोलोसिस न्यूमोनिया ये 11 वैक्सीन तो पूरे भारत भर में अवेलेबल हैं। जबकि जापनीज इंसेप्टेलाइटिस के अगेंस्ट वैक्सीन उन एरियाज में अवेलेबल कराए गए हैं अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जहां पे इसके केसेस ज्यादा हैं तो यह है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को फर्दर बूस्ट देने के लिए कि इसमें ज्यादा से ज्यादा कवरेज हो भारत सरकार ने मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया था साल 2014 में तो मिशन इंद्रधनुष इज नथिंग different but it was an additional program 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 under universal universal in order to to reinforce or give a boost जो कई सालों से चल रहा है, 1985 से ही चल रहा है आज की डेट में 12 तरह के वैक्सीन इसके अंतर्गत अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट अब आपको याद होगा कि कोरोना वैक्सीनेशन के टाइम में साल 2021 में एक पोर्टल लॉन्च किया था भारत सरकार ने कोविन पोर्टल जहां पे हम लोग रजिस्टर करके फिर एक टाइम स्लॉट लेकर जाकर के वैक्सीन ले सकते थे अभी उस कोविन पोर्टल पोर्टल जैसा ही एक लॉन्च कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जिसका नाम होगा यूविन पोर्टल और ये यूविन पोर्टल का इस्तेमाल वैसे ही किया जाएगा जैसे कोविन का इस्तेमाल किया जा रहा था फॉर कोविड वैक्सीनेशन यूविन पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम तो इन बारह तरह की अगर वैक्सीन लेनी है प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग इंफेंट को या इन्फेंट्स को दिलवानी है तो अब यूविन पोर्टल की मदद से आप स्लॉट बुक कर सकते हैं फिर आप जाकर के जब आपको स्लॉट में टाइम अवेलेबल होगा वहां से जाकर के आप वैक्सीन ले सकते हैं यह यूविन पोर्टल अभी भी फंक्शनल है इन पायलट मोड मतलब टेस्टिंग मोड पे आप कह सकते हैं अक्रॉस द कंट्री एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल तो यूविन पोर्टल की मदद से प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री मेंटेन हो जाएगी कि किन किन बच्चों का टाइमली इम्यूनाइजेशन हो रहा है जब जब इम्यूनाइजेशन होगा तो वो नोट कर लिया जाएगा डिजिटल तरीके से उसके अलावा टाइम टू टाइम एसएमएस अलर्ट भेजे जाएंगे सिटीजन को कि इम्यूनाइजेशन का टाइम हो गया एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आभा आई मैंने बताया था न्यूज पेपर एनालिसिस में एटीन जून पिछले महीने ही तारीख को मैंने आपको बताया था आभा आईडी के बारे में कि जैसे आधार आईडी है वैसे ही भारत सरकार आभा आईडी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी मेंटेन कर रही है जिसके डिजिटल आईडी के अंतर्गत हम सब का हेल्थ रिलेटेड ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा तो आभा आईडी भी बच्चों का और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन का मेंटेन करने में मदद मिलेगी विथ हेल्प ऑफ दिस यू विन पोर्टल तो ये सब फायदे हैं यू विन पोर्टल के

कई सारे लोगों के अगेंस्ट पॉक्सो एक्ट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल अगेंस्ट चिल्ड्रेन एक्ट इम्पोज किया गया खासकर मान लीजिए कि मैरिज के अंदर इफ ग्रूम वॉज ऑफ मोर देन एटीन ईयर्स ऑफ एज यानी कि वो एडल्ट था एंड ब्राइड वॉज ऑफ लेस देन एटीन तो उस केस में ग्रूम के अगेंस्ट भी कुछ कुछ केसेस में पॉक्सो एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया इम्पोज किया गया सेक्सुअल ऑफेंस की तरफर किया गया बिकॉज सच मैरेजेजर एज लेस एटीन तो मुद्दा यह है कि असम सरकार ने सीवियर क्रैकडाउं करने शुरू की अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज और असम सरकार का ये इनिशिएटिव काफी सक्सेसफुल हुआ है फ्रूटफुल हुआ है दिल्ली में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है भारत सरकार के सामने ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है बाई इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइल्ड राइट्स के लिए काम करती है इस रिपोर्ट का नाम है टुवर्ड्स जस्टिस एंडिंग चाइल्ड मैरिज इस रिपोर्ट के हिसाब से असम सरकार के क्रैकडाउन के कारण असम के अंदर चाइल्ड मैरिजेज केसेस 81 परसेंट तक कम हो गए हैं इन लास्ट थ्री इयर्स तो दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट एपीएससी में मेंस में आंसर लिखते वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर चाइल्ड मैरिज पे कोई प्रश्न आ गया तो एट्टी तक कम हुआ है चाइल्ड मैरिज का केस बिकॉज़ ऑफ क्रैकडाउन बाई असम गवर्नमेंट ये कल जो मनी बिल और फाइनेंस बिल पे सवाल था पहला स्टेटमेंट गलत है बाकी दोनों सही है लोकसभा फाइनेंस बिल राज्य इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल तो स्टेटमेंट वन इज इन करेक्ट एट फाइनेंस बिल इज अ टाइप ऑफ मनी बिल इट इज लाइक एंड कैन नॉट बी आई रिजेक्टेड और अमेंडेड बाई राज्य सभा. तो बाकी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। देखिए फाइनेंस बिल के अंतर्गत मनी बिल भी आता है यहां पे खेल समझिए फाइनेंस बिल के अंदर मनी बिल भी आता है फाइनेंशियल बिल टाइप वन भी आता है फाइनेंशियल बिल टाइप टू भी आता है ठीक है तो व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल टू राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल यहां पे फाइनेंस बिल के अंदर मनी बिल भी तो हो सकता है इस कारण से यह स्टेटमेंट गलत हो गया बाकी दोनों सही हैं। ठीक है तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन टू मत ओनली टू एजुकेशन इज इन कंकरेंट लिस्ट बाकी दोनों तो स्टेट लिस्ट में हैं। और क्वांटम से रिलेटेड क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है बिकॉज इट इज मोर प्रोन टू इंटरफेरेंस दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग